श्री विनायक राउत जी, धन्यवाद सभापति महोदया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बिल और दिल्ली पुलिस, इस दोनों बिल के लिए विरोध करने के लिए मैं खड़ा हूँ। वैसा तो राजवर्धन सिंह जी की विचार सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कितने प्रभावी विचार उन्होंने रखे, लेकिन आज के राजनीति में असलियत से क्या हो रहा है? सभापति महोदया, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का निर्माण जब किया गया, तभी उसका उद्देश्य ये था, उसके उद्देश्य में लिखा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज अ कंसिडर एज अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन विच इज फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव, ऐसा उसके निर्माण के वक्त लिखा गया था। लेकिन आज सारे CBI हो, NCB हो, ED हो, राजनीति करने वाले लोग इस तीनों एजेंसी का जितना दुरुपयोग करते हैं, इतना दुरुपयोग इसके पहले स्वतंत्र भारत में कभी भी नहीं हुआ था। सभापति महोदया, वैसे तो अभी हम महाराष्ट्र के सारे लोगों को अच्छी तरह से इनकी पहचान हो चुकी है, यानी तीनों एजेंसी CBI, NCB, ED, इनका पूरा पिछले 6 महीने से मुकाम मुंबई है और मिला तो थोड़ा महाराष्ट्र। सारे तीनों एजेंसी के लोग मुंबई में आके बैठे एंजॉय कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ। दिल्ली छोड़ी उन्होंने, यहाँ के पोल्यूशन उनको सूट नहीं हो रहा है, इसके लिए अच्छी हवा पाने के लिए, अच्छी हवा खाने के लिए वहां आके बैठे अपना जो, और उनकी क्या तरीका चल रहा है सभापति महोदया? बिहार का चुनाव था, एक सुशांत सिंह नाम का अच्छा अभिनेता, उन्होंने कई कारण से खुदकुशी की। वहां के लोगों के, उनके पिताजी के मांग से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनके खुदकुशी के बारे में इंक्वायरी जांच बिठाई, SIT का निर्माण किया। लेकिन दिल्ली वाले ने सोचा कि नहीं, महाराष्ट्र के जो SCID है, उनकी जो SIT है, उनके तरफ से इंक्वायरी होने वाली नहीं है। उन्होंने तुरंत ही वहां CBI को भेज दिया, ताकि महाराष्ट्र के पुलिस सक्षम होने के बावजूद भी दिल्ली की CBI वहां गई, ठीक है इंक्वायरी चालू की, आखिर निकला क्या? एक वर्ष हुआ, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, कुछ भी नहीं। सुशांत सिंह की खुदकुशी का एक कारण बनाकर बिहार के चुनाव का मकसद हासिल करने का काम इस राजनीति में जब हुआ, तब ऐसे एजेंसी को जो उनको फ्रीडम मिलना चाहिए इंक्वायरी का, उनके कर्तव्य का पालन करने का, सभापति महोदय आज के स्थिति में ऐसा नहीं हो रहा है। आज परिस्थिति ऐसी है, सारे के सारे महाविकास आघाड़ी सरकार के कई मंत्रियों के ऊपर ED हर दिन जाती है। ED जाने के बाद CBI वाले जाते हैं, CBI जाने के बाद NCB जाते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, उनके ऊपर, उनके खिलाफ इल्जाम लगाया एक पुलिस कमिश्नर ने, मुंबई से दिल्ली आए, दिल्ली से मुंबई गए और लिखित में इल्जाम किया कि इस अनिल देशमुख साहब ने हमें इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए बोले। तुरंत ED वहां पहुंची, सारी खोज की, खेती में गए, घर में गए, परिवारों के घर में गए, कुछ पाया कुछ नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से अनिल देशमुख जैसे होम मिनिस्टर आज 6 महीना हो गया, 6 मास हो गए वहां के ED के कोर्ट में, वहां से उनको बिठा के रखा है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं एक बात ऐसे है कि अनिल देशमुख के खिलाफ जिन्होंने इल्जाम किया, आरोप किया, उनको सुप्रीम कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया, अनिल देशमुख को अरेस्ट करके रखा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में उनको संरक्षण दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षण दिया है उसको,
उनको पूरे मुंबई का पुलिस कमिश्नर अगर उनके पास इतनी हिम्मत है, उन्होंने कोर्ट में बताया कि हमारे पास अभी कोई साबूत है नहीं है, हमारे पास कोई प्रूफ है नहीं है, ऐसा कोर्ट में उन्होंने बताया, लिखित में दिया ईडी के पास। अभी परमवीर सिंह ने लिखित में दिया हमारे पास अभी कोई भी ज्यादा जानकारी है नहीं है, कोर्ट में भी कहा। विनायक जी इधर बोलते जाइए। हाँ, आपके पास जी जी समस्त सभापति महोदय, लेकिन लेकिन सभापति महोदया एक ठीक है, जो गैर व्यवहार जहां होते हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार की है, जिन्होंने लोगों को लूटकर संपत्ति पाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होने की आवश्यकता है, करनी चाहिए। लेकिन जैसे कि अभी हमारे साथियों ने बताया, कल तक जो जिनके ऊपर इल्जाम रहते थे, एक दिन वो भारतीय जनता पार्टी के में जब वो प्रवेश करने के बाद वो साधु बन जाते थे। आज भी दुर्भाग्य से इस केंद्रीय मंत्रिमंडल में कल का जो आरोपी था वो आज साधु बनकर यहाँ बैठे। सभापति महोदया, हमारे महाराष्ट्र के एक राजनीति नेता, विपक्ष दल के एक राजनीति नेता 22,000 करोड़ की वीज चोरी की थी, 22,000 करोड़ की, 22,000 करोड़ की, लगे उसके पीछे सारे एजेंसी। उन्होंने सोचा चलो जाए दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और संत बन गए, साधु बन गए, कल के चोर आज साधु बन गए, 22,000 करोड़ की चोरी करने वाले। सरकार का नुकसान किया, सरकार नुकसान, मैं दिखाता हूं ना, अगर बोले तो हम नाम बोले तो मैं नाम पढ़ूंगा सभापति महोदय। आज एक डजन जो चोरी करने वाले लोग थे, एक डजन करप्ट प्रैक्टिस करने वाले लोग थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के बाद वो साधु संत बन गए और महाविकास आघाड़ी के जो प्रामाणिकता से और ईमानदारी से काम करने वाले जो लोग हैं, हर दिन हर एक के पास है ईडी की इंक्वायरी। हम समझ सकते हैं ईडी ने अगर खुद या विजिलेंस ब्रांच ने अगर खुद इंक्वायरी करके उनके पास अगर इंक्वायरी करने के लिए जाते हैं तो हम समझ सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुंबई का एक नेता बोल देते हैं परसों इनके पास ईडी की रेड हो जाएगी, परसों ईडी वहां जाती है, वो बोल देते हैं अभी ये छह माह बाहर आने वाले नहीं है, छह महीना उनको बेल नहीं मिलते। क्या भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के एक नेता के कहने पे ईडी का कार्यकाल चल रहा है, सीबीआई उनके माध्यम से काम कर रही है? सारे के सारे मंत्री, अभी परसों भी एक मंत्री 8-8 घंटा बिठा के वहां इंक्वायरी करते, 8-8 घंटा। और दुर्भाग्य से कोरोना के कार्यकाल में इस देश को लूटने वाले कितने लोग परदेश में गए, एक डजन देश को लूटने वाले जो बड़े बड़े चोर थे वो देश छोड़कर परदेश में जा चुके, उनके पास ईडी नहीं गई, उनके पास सीबीआई नहीं गई। अभी नार्कोटिक्स आ गया, अभी ये एक जोनल ऑफिसर वहां काम कर रहे हैं, जोनल डायरेक्टर, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, वो गए एक दिन, शाहरुख खान के जो बेटा है आर्यन खान, नहीं ले रहा हूं, अच्छा ठीक है नहीं लेता हूं, एक अभिनेता के जो बेटा है, तो उसके क्रूज के ऊपर जब उनको रेड की और उनमें कुछ मिला न मिला हमें मालूम नहीं, लेकिन एक बात है सभापति महोदया, जब आर्यन खान केस में 25 करोड़ की मांग की गई, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उस केस में जो आई विटनेस रखे थे एनसीबी ने जो आई विटनेस रखे थे, उन्होंने कहा कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ की मांग एनसीबी के जोनल डायरेक्टर ने की, और उसके आगे भी जाकर उन्होंने बताया, एक प्रभाकर साहिल नाम का आई विटनेस, उन्होंने कहा ना आई विटनेस है वो ना, ठीक है छोड़ दो, एक आई विटनेस नाम निकाल दीजिए, हाँ नाम निकाले, आई विटनेस उन्होंने कहा, एक नहीं दो तीन आई विटनेस ने कहा हमारे पास से 25 ब्लैंक पेपर के ऊपर एनसीबी के जोनल ऑफिसर ने जबरदस्ती से सिग्नेचर करके लिया,
अगर नहीं सिग्नेचर करे तो आपको जेल में भेजेंगे। ये कहां का तरीका गया? सभापति महोदय, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सेक्टर का एक राज्य है, शुगर फैक्ट्री आदरणीय स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे जी के कार्यकाल से इस शुगर फैक्ट्री को कोऑपरेटिव सेक्टर में अच्छा बढ़ावा मिला। आदरणीय शरद पवार साहब ने अपनी पूरा जीवन इस कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अर्पित किया। उस सारे कोऑपरेटिव सेक्टर शुगर इंडस्ट्री बर्बाद करने का ठेका केंद्र सरकार ने सीबीआई और ईडी के माध्यम से लिया है क्या सभापति महोदय? कितने शुगर फैक्ट्री आप बर्बाद करेंगे? कितने कोऑपरेटिव सेक्टर आप बर्बाद करेंगे? नार्कोटिक्स की बात करते हैं, लेकिन वहां गुजरात में अदानी पोर्ट में 21,000 करोड़ का ड्रग मिला, उसकी जांच हुई नहीं, उसकी सीबीआई जाग गई नहीं, एनसीबी को वहां रास्ता मिला नहीं। अदानी सभापति महोदय, खत्म हो गया ये ईडी, आपका समय खत्म हो रहा है। नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम। अरे आपको नहीं देखा, ये ईडी गुजरात में ईडी काम करने वाले ईडी के ऑफिसर कैसा काम करते हैं देखिए। गुजरात आज वहां जितने ड्रग्स गुजरात के अदानी पोर्ट हो या अन्य जगह पे मिलते, द्वारका में मिले 380 करोड़ के ड्रग, और वहां के लोगों को छोड़ने के लिए ईडी के ऑफिसर ने 5 लाख रुपए की मांग की। ये ईडी के अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी ने उनके अपॉइंटमेंट किया ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उनको भी इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जिनके ऊपर आप विश्वास रखकर महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के सरकार को परेशान करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे आपके ईडी के अधिकारी गुजरात में जाके लोगों को सताते, लोगों को परेशान करते। इसीलिए पिछले 2 वर्ष में गुजरात से हजारों लोगों ने परदेश में जाकर व्यवसाय करना पसंद किया। सभापति महोदय, मैं एक 2 मिनट लास्ट के 2 मिनट सभापति महोदय, एनसीबी का आज जिस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र में एक स्वैराचार चल रहा है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल है नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बदनाम कर रहे केंद्र सरकार का नाम, वो बदनाम कर रहे अमित शाह साहब का नाम, और उनके नाम पे वह पैसा कमाने का धंधा करने के लिए जो ईडी के लोग गए, एनसीपी के जो लोग गए। एक सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कुर्ला के एक साधारण सा आदमी, उनके घर में ईडी ने रेड डाली, जो भी कुछ था वो जब्त कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिलने के बाद वो आदमी हमारे वहां के मिनिस्टर का रिलेटिव था, उन्हें इस ईडी के कोर्ट में हाजिर करना ही था, इसलिए कुछ न मिलने के बाद भी उसने अपने एक असिस्टेंट ऑफिसर को बाहर भेजा, वहां से एक 2 डिब्बा लेकर आया और घर में रखा और बोला ये नार्कोटिक्स है आपके पास। उनके बहू ने उनका वीडियो शूटिंग किया, उनको बताया या आपके लोगों ने लेकर आ रही है, हमने हमारे घर में नहीं है, नहीं सुना। और ईडी का कोर्ट ऐसा चाहे कुछ भी आपके पास न मिले तो भी चलेगा, लेकिन आपको यहाँ आके 1 वर्ष रहना है। और इसीलिए महाराष्ट्र में जिस तरीके से ईडी, एनसीबी और सीबीआई को वहां को बिठाकर जिस तरीके से लोगों को परेशान करना, कोऑपरेटिव सेक्टर को परेशान करना, शुगर इंडस्ट्री को परेशान करना, और महाविकास आघाड़ी के जो शासन करता है उनको परेशान करना, ये जो काम चले वो रोकने का काम करे, और लोकशाही का जो मकसद है वो सही तरीके से अमल में आना चाहिए। लोकशाही में राज करना सबका अधिकार है, और वही हिसाब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार काम करते, उनमें कुछ गलत हो जरूर सजा करे, लेकिन अननेसेसरी जो निरपराध है ऐसे लोगों को फंसाने का काम मत करे, यही मेरी मांग है। धन्यवाद सभापति महोदय।